इसी तरह क्या है, ये समझिए कि 50% लोग गानों में फिल्मों में, दूसरे क्या हैं ज़रा अल्लाह वाले, वो क्या करते हैं बर्बाद करने के स्टेटस में क्या है, बेकार, ना दुनिया का फ़ायदा ना दीन का फ़ायदा, लघु कामों में दीवाना हंसा कॉमेडी सीना, क्या पुराने ज़माने में उन्हें अमिताभ बच्चन गाया ना वो गाने, नहीं तो क्या है, क्या तभी एक ऐसा स्टेटस में रखते हैं इसकी वजह से देखने वाले का क्या है वक्त ज़ाया होता है। ये ज़रा बेहतर लोग उससे भी और ज़रा दीन पसंद कौन रखो बोला तुम ना, क्यों बैठे बैठे खामोश गुना मोल लेते हो, या तो कुछ ना रखो, या रखो तो कोई अच्छा ही रखो, ना मिला तो खामोश रहो। जो आदमी जानता भी नहीं है उसको तुम फिर क्या याद दिलाते हो, जो आदमी तौबा करके क्या है फिल्म में देखने जो एक दिन में 10-10 देखता था वो छोड़ गिर के क्या है रमजान के महीने में अल्लाह बोल के बैठा, उसे याद क्या बात छोड़ को तो इतने दिन होगा ना, देख बा मैं देख भेज तू देख स्टेटस में तभी देख को जरा क्या है, तैयारी कर को आप फिर, ये तुम बोलते हो क्या भाई रखा कॉमेडी इतना रखा, क्या जरूरत है भाई कॉमेडी की, कॉमेडी में सबसे ज्यादा झूठ के अलावा इस्तेमाल क्या होता है, मजाक वो करो जिसमें झूठ ना हो, कॉमेडी तो नहीं है ना, इस्लाम में मजाक नहीं है, मजाक नहीं है इस्लाम में, सही तरह अगर कोई चीज है तो वो क्या है, वो क्या है बगैर झूठ के मजाक है, बगैर झूठ के, और वो मजाक नहीं कहलाया जाता, वो इल्मी लतीफे कहलाए जाते हैं, इल्मी लतीफे, ये करो इसमें झूठ ना हो। बहुत अच्छे अच्छे इल्मी ज़ौक रखने वाले लोगों ने लिखे हैं उसके ऊपर, वो पढ़ो सीखो वो रखो, झूठ ना हो जिसके अंदर। अल्लाह के तबारक व तआला के फजल करम से, अल्लाह के रसूल के दौर से, सहाबा के दौर से हमें मिलते हैं इल्मी लताइफ जिसके अंदर कोई झूठ ना हो। हाँ, खुद अल्लाह के रसूल से भी मिलते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मशहूर वाकया, एक बुढ़िया को क्या है जब आके उन्होंने कहा कि दुआ कर दीजिए मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊँ, तो अल्लाह के रसूल ज़रा मजाक के मूड में थे, कहा कि बुढ़िया जन्नत में नहीं जाती। अब वो रोटी पीटती चली गई कि अल्लाह के रसूल ने कह दिया कि मैं जन्नती नहीं हूँ, तो अल्लाह के रसूल ने और एक सहाबी को बुलाया, कहा कि जाओ जाके बोलो जो भी दाखिल होगा वो नौजवान बन के दाखिल होगा, बूढ़ी नहीं जाएगी। अब ये कहने का मतलब था, एक सहाबी आए अल्लाह के रसूल से कहा कि मुझे ऊँट चाहिए, कहा कि नहीं मैं ऊँट का बच्चा दूंगा, कहा कि अल्लाह के रसूल लेके मैं क्या करूँगा ऊँट का बच्चा, ऊँट देंगे तो सवारी करूँगा, ऊँट का बच्चा लिया उल्टा मैं घास डालना है उसके लिए कि देखना है मेरे पास तो पहले ही मुझे खाने के लिए पैसा नहीं है इसीलिए मैं ऊँट मांग रहा हूँ आप ऊँट का बच्चा दें, कहा कि नहीं नहीं मैं ऊँट का बच्चा ही दूंगा। वो बहुत देर तक अल्लाह के रसूल से क्या है मुनाजात, बहुत देर तक अल्लाह के रसूल सल्लम मनाते रहे, अल्लाह के रसूल मुझे ऊँट का बच्चा नहीं चाहिए ऊँट दे दीजिए, अल्लाह के रसूल मुस्कुरा के बोले कि हर ऊँट तो ऊँट का बच्चा ही होता है, हर ऊँट तो ऊँट का बच्चा ही होता है। तब कहीं जाके उन्हें समझ आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजाक कर रहे हैं, ऐसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार मजाक जो कि इल्मी तौर पर है, और ऐसे ही सहाबा के थे। तो मजाक में भी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जाना क्या जरूरी है, इल्मी लतीफे सुनाओ, इल्मी शौक रखो, स्टेटस का बड़ा ख्याल रखो, या तो मत रखो। कंपनी दरअसल क्या है देखती रहती, क्या तुम क्या स्टेटस रखते, इन्हें नहीं रखता जी, इसका व्हाट्सअप बंद कर देना, ब्लॉक कर देना, कंपनी ब्लॉक कर देती क्या तुम्हारी व्हाट्सअप, एक बेकार गैर जरूरी काम जिस पे वक्त लगाता 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 लगाता, उसी के लिए बैठ जाता, उसी के लिए घंटे घंटे सर्व करता। और इसी तरह क्या है मामूलात में औरतें अपने फोटो शामिल कर लेना, अपने क्या है रिश्तेदारों के, अपने माँ बाप के, ये एक फितना अंदर खामोश गुना जा रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, मरकज़ुस सलाम के इस चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, और हर दिन की अपडेट के लिए आप बेल बटन दबाकर हमारे साथ ताउन फरमाएं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।